सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय, ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में पुराने चेहरे पर ही दांव खेल सकती है बीजेपी। हरिद्वार और पौड़ी की सीटों पर नाम तय होना बाकी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद के नाम पर भी चर्चा अब तेज हो रही है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय, लगभग तय जो है वो माने जा रहे हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार और पौड़ी की सीटों पर नाम तय होना बाकी है, ये भी बताते चले कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अनिल बलूनी और स्वामी यतीश्वरानंद के नाम भी, इनके नामों पर चर्चा अब चल रही है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरिद्वार और पौड़ी की सीटों के नाम पर जो है अब अभी तक तय होना बाकी है, लेकिन अब अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद के नाम पर भी चर्चा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में पुराने चेहरे पर ही दांव खेल सकती है बीजेपी। हरिद्वार और पौड़ी की सीटों पर नाम तय होना बाकी है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल में पुराने चेहरों पर ही बीजेपी दांव खेल सकती है। हरिद्वार और पौड़ी की सीटों पर अभी नाम तय होना बाकी है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद के नाम पर भी चर्चा, ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब उत्तराखंड में बीजेपी पुराने चेहरे पर ही दांव खेल सकती है, ये सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। और नाम की अगर बात करते हैं तो अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के नामों पर जो है चर्चा अभी चल रही है, तो बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी के नाम जो है, बीजेपी प्रत्याशियों के नाम अब तय हो चुके हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।